हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी ना बिल्कुल ठीक हैं, मजे में हैं आप सबकी दुआओं से। हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम। मैं तो चॉकलेट वाली, मेरी बहुत फेवरेट है। वैसे तो मेरा ब्लू कलर फेवरेट, लेकिन ब्लू बहुत खट्टा होता है ना, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पसंद। मैं चॉकलेट वाली खाती हूँ। अभी अभी हमने ना खाना खाया नहीं है, अभी हम लोग ने अभी अभी डिनर किया, तो अभी हम लोग ने लेट डिनर किया था, तो मैंने अपने नहीं है पापा को बोले पापा चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, तो नहीं है लेट डिनर किया है ना, इसलिए ठंडा खाने का मन कर रहा था, गर्मी बहुत है वैसे भी, तो इसलिए पापा ने कहा चलो चलते हैं। दो दिन से ना काफी गर्मी बढ़ चुकी है और वैसे ही ना नाइट में हम नाश्ता वगैरह लेने जाते हैं बाहर से, तो आज जा रहे थे तो सोचा कि चलो बच्चों को भी आज ले जाऊं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए पेपरों की वजह से बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकले थे, तो मैंने कहा चलो आज बच्चों को भी थोड़ा सा एंजॉय करा दूं, तो चले जाते हैं। वैसे ही सोते सोते तो इतना लेट हो जाता है, तो आइसक्रीम खाते हैं ठंडी ठंडी और दिल भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो जाएगा सोच के ना, बहुत ही बस कोई ना कोई बात आ जाती है ना, तो इंसान सोच के तो दिमाग गर्म सा हो जाता है, काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन अब मैंने कहा चलो आइसक्रीम खा के गुस्से को भगाया जाए। और नहीं है अभी तो हम लोग टूर पे जाने वाले ना 3 डेज के बाद, क्योंकि शीला के 3 डेज के बाद पेपर, एक के पेपर खत्म हुए नहीं कि दूसरी के पेपर चालू, मेरे पेपर अब इनकी ट्यूशन वाली बाजी भी मैं हूँ और इनकी मम्मा भी मैं हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि मैं ना कहती हूँ कि बस हर काम ना वक्त पे होना चाहिए, कोई काम वक्त पे नहीं होता ना तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, बस एक दिन व्लॉग नहीं बनता ना तो फिर मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि नहीं बना, वैसे व्लॉग की ऐसी टेंशन होती है ना मुझे, क्योंकि ना सोच के तो मैं थक जाती हूँ कि मैं आज किस चीज़ पे व्लॉग बनाऊँ, ये सोच के तो मैं टेंशन में आ जाती हूँ। आज मैंने अपना ड्रेस भी स्टिच कर लिया ब्लू वाला, जिसका मैंने पिछला व्लॉग बनाया था, ब्लू ड्रेस स्टिच किया और अब जा रहे हैं हम आइसक्रीम खाने के लिए, तो मैंने कहा हल्की फुल्की से सफाई करके जाओ ताकि ना आके फिर सिर्फ मुझे बिस्तर लगाना पड़े और डायरेक्ट भी बाहर से आके बंदा थक ही जाता है, तो आके सो जाओ, जैसे सोना तो नहीं होगा, मैंने कहा कि आज इंशाल्लाह मेरी अभी ड्रेस भी स्टिच करूंगी, और अब कहा पहले तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए ना घर में ही आइसक्रीम ले आऊं, लेकिन फिर ना बच्चों के पापा ने कहा कि नहीं है बच्चों को ले चलते हैं बाहर और बच्चे खा लेंगे, और आप लोग को पता है टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 1 बजे होंगे या 12:30 हो रहे होंगे, 1 या 12:30 हो रहे होंगे, वैसे ही ना ये टाइम है, और इस टाइम में ना काफी सुकून होता है, आज तो पता नहीं मुझे लग रही नहीं जैसे गर्मी है, क्योंकि आज धूप भी ज्यादा तेज थी, जब स्कूल के लिए गए तो धूप भी काफी हो रही थी, फैन तो अब तक के ना मेरा माइक आया नहीं है, तो बस माइक का हो जाएगा ना तो फिर तो ना मैं भी फैन ऑन करके वीडियोस बनाया करूंगी, और फैन की प्रॉब्लम और दूसरी ना टॉपिक की प्रॉब्लम मुझे बहुत होती है कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, बहुत ज़्यादा टॉपिक की प्रॉब्लम होती है, तो बस अब इंशाल्लाह ताला टॉपिक की मलिया को देखो टॉपिक की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ना मैं वीडियो में लगी हुई होती हूँ, बच्चे ना अपने आप रेडी हो जाते हैं मेरे, मलिया भी ना खुद से रेडी हो गया, और शीजा देखो शीजा भी रेडी हो गई, शीजा की तो कोई टेंशन ही नहीं है, शीजा को तो ना बस ट्राउजर और शर्ट पहना दिया, शीजा अक्सर मुझसे सवाल करती है मम्मा आप मुझे ना क्यों लड़कियों वाले कपड़े मुझे क्यों नहीं पहनाती हो, बस ना अब शीजा के ऊपर ये कपड़े सूट करते हैं तो मैं ये पहनाती हूँ, अब शीजा के पेपर चल रहे हैं, कल शीजा बहुत अच्छा अच्छा पेपर देगी ना, शीजा फर्स्ट आएगी, फिर शीजा मैं आपको क्या ला के दूंगी बताओ, शीजा को मैं साइकिल ला के दूंगी, अब चलते हैं देखते हैं कहाँ आइसक्रीम खाते हैं और कौन सी आइसक्रीम खाते हैं, तो चलिए अब चलते हैं, चलो
टू बंसरोट स्ट्रीट फूड। ये देखो ये है बंसरोट स्ट्रीट फूड, कराची की मशहूर जगह, और यहाँ पे खाने पीने की हर आइटम मिल जाती है। यहाँ पे हम आए, अब देखते हैं हम कहाँ आइसक्रीम खाते हैं। ऊपर बैठ के ना खाना खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आजकल तो डाइनिंग बंद है, और ये कराची हली, कराची की मशहूर हली मटका कुल्फी, अपनी चॉइस। ये नई शॉप ओपन हुई है, हम इधर के आप चेक करते हैं खाने में कुछ। आइसक्रीम अच्छी थी और बच्चों ने तो खाई नहीं, इसीलिए तो हमने कोई मंगाई थी, क्योंकि मुझे पता है बच्चे नहीं खाते, चॉकलेट वाले खाते, बच्चे ऐसी चीज़ें खाते हैं। ये देखो मैंने फिनिश कर दी, ये नई शॉप खुली है, न्यू शॉप है, अच्छी छोटी है, अच्छी है। जी बताइए कि आपकी नई शॉप है। जी सर, 13 अगस्त को ओपनिंग हुई है, पहली ब्रांच है हमारी। एड्रेस बता दें आप। एड्रेस सर, मेन बंस रोड में आएंगे तो आपको मटका कुल्फी के साथ ही, फूड स्ट्रीट में और बाबा रवि के साथ, और होटल रोल के अपोजिट आपको मिलेगा एला डोला आइसक्रीम। ये देखिए बाबा रवि वाला, और ये बंस रोड के मशहूर रोड पे है, मेन रोड पे है, और आप उर्दू बाज़ार से भी आ सकते हैं। इनकी आइसक्रीम का टेस्ट काफ़ी अच्छा था और बहुत ही अच्छी आइसक्रीम थी। आप भी आए यहाँ पे एक बार, ज़रूर आइसक्रीम का टेस्ट लें आप भी, और मुझे बताइए कि आप लोगों को भी कैसी लगी आइसक्रीम। ये न्यू शॉप खुली है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी शॉप। हाँ तो जी, हम आइसक्रीम खा के आ चुके हैं, और ना जिस आइसक्रीम के लिए हम गए थे ना, मुझे खानी थी पिशावरी आइसक्रीम, लेकिन ना वो पिशावरी आइसक्रीम वाली शॉप जो है ना कि वो तो क्लोज हो चुकी थी, तो ये नई शॉप खुली हुई थी, तो लुक वाइज काफ़ी अच्छी लग रही थी देख के, चमक दमक तो बच्चों ने काफ़ी कहा, गए बच्चों के लिए थे। खैर आइसक्रीम तो मैं भी नहीं खाती इतनी ज़्यादा, और ना तो मेरे बच्चे खाते, लेकिन बच्चे हैं ना कभी कभार ज़िद करते हैं, बच्चों की बात माननी पड़ती है, बट बच्चों ने तो खाई नहीं, बच्चों ने बस ली एक एक स्पून बस चखा, उसके बाद किसी बच्चे ने मेरी आइसक्रीम नहीं खाई। तो हमने आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम काफ़ी अच्छी थी, तो आइसक्रीम काफ़ी अच्छी थी, और ना अचानक अचानक प्रोग्राम बना, क्योंकि ना आइसक्रीम तो था एक बहाना, मुझे बनाना था व्लॉग, तो फिर आइसक्रीम के बहाने चले गए आइसक्रीम, और व्लॉग का व्लॉग बन जाएगा। और देखे ना, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, मुझे घर के कपड़े पहने हुए थे तो चली गई, इसलिए मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा था व्लॉग बनाने में। मैंने कहा कि अच्छा बंदा रेडी वेडी होके जाए तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है कि बंदा बनाए व्लॉग।
लेकिन खैर व्लॉग तो बन गया हमारा, लेकिन आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा वंस शॉप पे। एड्रेस मैं व्लॉग में मेंशन कर दूंगी आप लोग को। नई शॉप खुली है और प्राइस भी रिजनेबल थी और आइसक्रीम भी काफ़ी टेस्ट वाली थी, वरना वंस शॉप पे ना इतनी खास आइसक्रीम नहीं मिलती, लेकिन ये आइसक्रीम काफ़ी अच्छी थी। हमने भी डर डर के ट्राई के लिए, मुझे तो आइसक्रीम से ज़्यादा मुझे आइसक्रीम से ज़्यादा फालूदा पसंद है, और फालूदा ज़्यादा पसंद है आइसक्रीम से ज़्यादा। आइसक्रीम तो मुझे खानी भी नहीं थी, बस व्लॉग बनाना था। और बच्चों ने मेरे लिए, एक मेरे बच्ची को पिंक कलर पसंद है तो एक ने स्ट्रॉबेरी वाली पिंक मंगाई, और एक मेरी बच्ची को ब्लू पसंद है तो उसने मंगाई ब्लू। मेरी अभी उनको कलर मंगाने पता नहीं है इनको कि कलर का टेस्ट, जाहिर सी बात है अलग होता है, बच्चों को पता नहीं होता कि इस चीज़ का ये टेस्ट होगा। बस उनको अपनी चॉइस के कलर मंगाने थे, मंगाए और बस एक एक स्पून खाया तो वो भी नहीं खानी, हमें फिर नहीं खाई तो गुस्सा आ गया। बच्चे नहीं खाते तो क्या कर सकते। फिर व्लॉग तो बन गया और मज़ा भी आया, आइसक्रीम टेस्ट कर ली। और मुझे ना खाने पीने का नहीं इतना ज़्यादा घूमने का है, बाहर जाने का है घूम के। और वैसे ही ना मेरी डेली की रूटीन है, एक दिन छोड़ के एक दिन दूध वगैरह नाश्ता वगैरह लेने मैं खुद जाती हूँ, नाश्ते का बहाना हो जाता है और बंदे की सैर भी हो जाती है और सैर की सैर। और हाँ, मेरी एक बात मानिए, एक बार ज़रूर जाइएगा और ये आइसक्रीम ट्राई कीजिएगा। मैं आपको व्लॉग में मेंशन कर दूंगी और प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आप लोग को मुझे यकीन अच्छी लगेगी। और जब भी जाओ ना आप वहाँ पे आइसक्रीम खाओ ना, तो वहाँ पे छोटी सी वीडियो बनाइएगा और वो वीडियो मुझे मेंशन कीजिएगा और फिर मैं वो वीडियो अपनी आईडी पे लगाऊंगी। अच्छा, मैंने बात की और काफ़ी अच्छा लगा उनकी नई शॉप पर, और मैंने उनको भी कहा कि मैं आपकी वीडियोज़ डालूंगी, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा मेरे कहने पर, और जब भी जाओ तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। अब मेरा बहुत सारा काम है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह होगी अगले व्लॉग में मुलाकात, जब तक के लिए इजाज़त लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।